सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एश टू ट्रैवल। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वंस अगेन बाय KSRTC अंबारी उत्सव, एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर। सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर, मैंने अपने लास्ट अंबारी उत्सव बस जर्नी में बोला था कि यू नो आई वॉन्टेड टू डू फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर और बैंगलोर टू मैंगलोर, सो दैट आई कैन सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द शिराडी घाट। सो फाइनली नेक्स्ट डे बैंगलोर टू मैंगलोर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ KSRTC अंबारी उत्सव। So here, Mangalore bus stand. You can see सामने ही बस लगी हुई है। So this is the first trip from Mangalore to Bangalore. As you can see the crowd again. सब लोग फोटो खिंचाने में बिजी है। So this is the interiors once again, same interiors, same vibe. It's two sunroofs. Last night we've got the sunroof, which is also the emergency exit. एक आई थिंक एक छोटा सा बॉटल रखने के लिए, यू कैन सी दैट जस्ट वन स्मॉल बॉटल। सो ये जो पीछे वाली बस है दैट इज द 12:30 PM बस फ्रॉम मैंगलुरु, पहुंचेगा 8:30 PM शेड्यूल टाइम। फिर अगेन इट विल लीव एट 10:50 PM फ्रॉम बेंगलुरु टूवर्ड्स मैंगलोर। सो ये बैक टू बैक जर्नीज करने वाला है। सो क्विकली बस इन्फो शेयर कर देता हूँ। तो बस का फेयर मुझे पड़ा 1,150 रुपीज़, दैट इज़ पर पर्सन। एंड आई थिंक ये पहला स्लीपर रहेगा जो डे टाइम चला रहे, बिकॉज एवरी डे इज़ गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर एट 12:30 PM इन द आफ्टरनून। सो बस का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो 8 hours की जर्नी वाय शिराडी घाट, बस उतना ही है। सो आई बिन इन्फॉर्म कि बस जो है वो फुल है, सो डेफिनेटली कौन नहीं जाएगा सो के AC में। एंड ऑफकोर्स द लॉयल्टी ऑफ KSRTC इज यू नो अनक्वेश्चनेबल। सो यू कैन सी आई कैन नॉट रीड कन्नड़ा, बट आई बिन इन्फॉर्म कि अभी मैंगलोर डिपो की बस है। फर्स्ट इट वॉज फ्रॉम बैंगलोर डिपो, नाउ मैंगलोर। So by next week they should be running on Mangalore to Pune route as well. So abhi thode time mein niklegi bus. It's 12:26 PM. So Mangalore to Bangalore, cannot miss a trip from Mangalore. Plus we have a professional photographer also. Bangalore ke liye you didn't have. I think he's a news agent. News agent. So you can see route. My supplies to Hassan. Hassan, I have been informed to pick up, sir. Bus pura full hai. बस के साथ हम लोग भी इतना मूव करें। चलो लेट्स एंटर। Thank you.
వెళ్తున్నాడండి అప్పుడు గియర్ బుర్రలా అనిపిస్తుంది అమిత్ ద డీజిల్ పాయింట్ ఉన్నది రాజాకి కొనత దీపాన్ని అంటున్నా డీజిల్ పాయింట్ పోయితే फिर पिकअप कैसा वो ये वाले बस का थोड़ा कम है अपना हैदराबाद के हिसाब से हाँ वो तो है 350 है ना हॉस्पिटल तो क्लिफर्ड अन्ना जो ड्राइविंग कर रहे थे उन्होंने बताया कि वो मैंगलोर टू मुंबई वाले रूट पे एरावत चलाते हैं एंड उनको भी एरावत ज़्यादा पसंद है इन टर्म्स ऑफ पिकअप एंड भगाने के हिसाब से तो जैसे एरावत बसेस में वो बीप बीप आता है इसमें वो कंटिन्यूस साउंड है यू नो टू जो भी इमरजेंसी का वो कंटिन्यूस साउंड है तो क्लिफर्ड अन्ना ने बोला कि ये एक हफ्ते तक ये रूट पर चलाएँगे मैंगलोर एंड उसके बाद मे बी जो दूसरे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी मे बी देल ड्राइव उसके बाद क्लिफर्ड अन्ना मैंगलोर टू मुंबई वाले रूट पे वापस आ जाएंगे आई एज फार एज आई नो उनको दो दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ता है टू बी एबल टू ड्राइव दिस बस द KSRTC ड्राइवर्स तो आई थिंक देर इज़ अ बिट ऑफ शॉर्टेज विद रिगार्ड्स टू दी ड्राइवर्स फॉर दिस न्यू बस क्योंकि क्लिफर्ड अन्ना ने भी यही बताया कि एक्चुअली वो वही रूट पर जा रहे थे तो उनको कल ही बोला कि ये रूट पे चलाना है किसको सो वी आर रेडी टू लीव 2:24 PM ने मुझे ज्यादा देर को तो नहीं होती बस गाड़ी
ஆல்மோஸ்ட் 6 PM ஸ்மால் லூ பிரேக்கில் இருக்கு. Thank you.
ये किधर जा रही है? कुके सुब्रमण्य, ओके कुके सुब्रमण्य टू बेंगलुरु। ये हमारी बस। तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, सही है ना? तो एक्चुअली ये टी ब्रेक है, थोड़ा लेट हुआ है ताकि यू नो बस क्रू जो है ना खाना खा सके, बिकॉज अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाता है। 10:50 उनका बैंगलोर टू मैंगलोर का डिपार्चर टाइम है, तब तक कुछ खाने का ऑप्शन नहीं। जी आशिक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फाइनली मैं उत्सव बस में स्लीपर बर्थ में सोया हूँ अभी। आई मीन दो ट्रिप्स मारा, लेकिन फर्स्ट वाला जो बैंगलोर टू गोवा था उसमें पूरा टाइम कैबिन नहीं था, तो अभी चल के थोड़ा बहुत टाइम मिला, वो भी बिकॉज ऑफ बैंगलोर ट्रैफिक। तो फाइनली रीच्ड मजेस्टिक 10 PM। तो अभी यहाँ से डायरेक्टली यू कैन सी रूट भी बदल अपडेट कर दिया, बेंगलुरु टू मैंगलोर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म 2A, सॉरी टर्मिनल 2A से जा रही है। तो एक्चुअली मैं भूल गया था कि वीकेंड है, आई मीन संडे, सो संडे का ट्रैफिक बहुत था। शेड्यूल टाइम टू रीच वॉज 8:30 PM, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू शिराडी घाट। तो चंद्रशेखर अन्ना जो सेकेंड हाफ में बस चला रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंगलोर बस डिपो को टोटल 4 बसेस अलॉट हुए हैं, उसमें से अभी फिलहाल एक ही है जो अभी बैंगलोर टू मैंगलोर के रूट पे चल रहा है। वंस दे रिसीव ऑल 4 बसेस, देन सॉरी मैंगलोर टू पुणे 2 बसेस एंड कुंदापुर टू बैंगलोर 2 बसेस। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जो शिराडी घाट का एक्सपीरियंस था इट वॉज अ बिट सिमिलर जो अगर आप एरावत बस में जाओगे तो, बिकॉज वो जो पैचेस है ऐसा नहीं कि एरावत मस्त भगा सकता है, वो भी स्लो ही होगा। इट्स जस्ट दैट ऊपर से नई बस है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एंड आई थिंक ये बस थोड़ा और लो है तो वो एक्स्ट्रा संभालना पड़ता है, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स ओके, इट कैन हैंडल इट अनलेस द घाट बिकम्स वर्स। सो दैट्स इट, अभी बहुत थक गया हूँ, जाता हूँ घर पर, एडिट करता हूँ, फिर होपफुली यू गेट टू सी दिस वीडियो सून। टिल देन टेक केयर।